जॉन डीजे। काका प्रणाम। हाँ जी प्रणाम प्रणाम, क्या हाल? हाल चाल तो ठीक है, पंचायती चुनाव आ रहा है काका, क्या विचार किए हैं आप लोग? देखो इस बार हम लोग विचार किए हैं कि ग्राम पंचायत राज कटहा क्षेत्र संख्या 5 से मुखिया पद हेतु सुयोग्य कर्म समाज सेवी शिक्षित लोकप्रिय संघर्षशील महिला उम्मीदवार मेहनाज बेगम को ही जिताना है, जिनका चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप। यही एक प्रत्याशी हैं जो चौमुखी विकास करा सकती हैं, मेहनाज बेगम। हाँ हाँ, अच्छा एक बात बताइए काका, सुरक्षित समाज कौन बनाना चाहता है? मेहनाज बेगम। हाँ, और नारी सशक्तिकरण पर बल कौन दे रहे हैं? अतहर हुसैन। पर्यावरण संरक्षण के बारे में कौन सोचते हैं? अतहर हुसैन। अस्वस्थ समाज का निर्माण कौन करना चाहते हैं? मेहनाज बेगम। गरीबी उन्मूलन कौन करना चाहते हैं? अरे पगली, सिर्फ और सिर्फ मेहनाज बेगम। जल संरक्षण कौन करना चाहते हैं? मेहनाज बेगम। देखिए उधर से भैया आ रहे हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। भैया एक बात तो बताइए, सबका साथ सबका विकास कौन करना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेहनाज बेगम। भय मुक्त समाज का निर्माण कौन चाहते हैं? अतहर हुसैन। बताइए जब सबके जुबान पर एक गो नाम है तो फिर वोट के दिन काहे भुलाना है? अरे पगले, भूलने वाला तो बात नहीं है, ये तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि मेहनाज बेगम का चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। कितना समाज सेवी है, लोग के बारे में सोचते हैं, अपना समाज के बारे में सोचते हैं, अपना गांव के सब व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, और क्या चाहिए? सही बात बोली, मेहनाज बेगम ही एक ऐसी प्रत्याशी है जो पंचायत के बारे में हमेशा सोचती है कि पंचायत का विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, वार्ड का विकास कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो, घर का विकास कैसे हो। समझो कि अगर इस बार ये मुखिया बन गई तो एकदम चौमुखी विकास है। और सुनो, मेरे अंदर कोनो छल कपट नहीं, समझे ना, इस बार मेरा दिल कह रहा है ना कि इस बार मेहनाज बेगम ही जीतेगी, ये समझो कि फाइनल है, समझे कि नहीं? ए काका, डिसीजन ले लिया है सब गोटा। हाँ। ओहो, तुम तो बोल के एकदम मन गदगद कर दे, समझे कि ना। देखो मेहनाज बेगम एक ऐसी प्रत्याशी है जो समझो कि एक पूरे पंचायत में इनके जैसा कोई प्रत्याशी हमको तो नहीं दिख रहा है, समझे ना। यही एक ऐसी प्रत्याशी है जो शिक्षित हैं, समाज सेवी हैं, कर्मठ हैं, लोकप्रिय हैं, संघर्षशील हैं। तो देखिए भाई और बहनों, इस बार के पंचायती चुनाव में मेहनाज बेगम को ही अपना बहुमूल्य वोट देना है और भारी से भारी मतों से जिताना है, जिनका चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप, जो क्रम संख्या 4 पे है। तो टेम्पू छाप पे बटन दबाएं और भारी से भारी मतों से मेहनाज बेगम को जिताएं, जिनका चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप, टेम्पू छाप, टेम्पू छाप। जी हाँ, याद रखें आपका अपना चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप, इसी टेम्पू छाप पे बटन दबाएं और भारी से भारी मतों से मेहनाज बेगम को जिताएं। जी हाँ, याद रखें आपकी अपनी प्रत्याशी मेहनाज बेगम, जिनका चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप, जहाँ देखे टेम्पू छाप वहीं पे दबा दे बटन आप, समझे ना। और जा रहे हैं बूढ़ी को बताने के लिए, बूढ़ी इस बार सिर्फ और सिर्फ मेहनाज बेगम को वोट देना है, और जो कलम संख्या 4 पे, समझे ना। ठीक है, मेहनाज बेगम जिंदाबाद, अतहर हुसैन जिंदाबाद, अकील हुसैन जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद, ग्राम पंचायत राज कटहा क्षेत्र संख्या 5 की जनता जिंदाबाद, क्रम संख्या 4 जिंदाबाद। मेरे कातिब मेरे तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। जी हाँ, ग्राम पंचायत राज कटहा क्षेत्र संख्या 5 से मुखिया पद के सुयोग्य कर्मठ समाज सेवी शिक्षित लोकप्रिय संघर्षशील उम्मीदवार आपकी अपनी प्रत्याशी मेहनाज बेगम, पति अतहर हुसैन, जिनका चुनाव चिन्ह है टेम्पो छाप, टेम्पो छाप, टेम्पो छाप। याद रखे टेम्पो छाप, जो क्रम संख्या 4 पे है, इसी क्रम संख्या 4 पे बटन दबाएं और भारी से भारी मतों से मेहनाज बेगम को जिताएं। जी हाँ, याद रखें आपका अपना चुनाव चिन्ह टेम्पो छाप। कुछ कागज के टुकड़ों में अब हमको ललचाओगे, मेरे बच्चे के भविष्य की कीमत तुम कितना लगाओगे। जी हाँ, याद रखें आपका अपना चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप, इसी टेम्पू छाप पे बटन दबाएं और भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। डूब रही थी फसल बार में, हम सब का था बुरा हाल, डूब रही थी फसल बार में,
हम सब का था बुरा हाल, कोरोना में मुंह छिपाकर गायब थे पिछले साल। जी हाँ, याद रखे उन कोरोना काल में जब हमारे प्रतिनिधि ना जाने कहां गायब थे। तो याद रखे इस बार, जी हाँ इस बार आपकी अपनी प्रत्याशी मेहनाज बेगम, जिनका चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप, जी हाँ इसी टेम्पू छाप पे बटन दबाएं और भारी से भारी मतों से मेहनाज बेगम को जिताएं, पति अतहर हुसैन को जिताएं। तो याद रखे आपका अपना चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप, टेम्पू छाप, टेम्पू छाप। गीत हम सब मिलकर बदलाव के जो गाएंगे, चल पड़े हैं हम सब परिवर्तन बरा लाएंगे। जी हाँ याद रखें आपका अपना चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप। जी हाँ, वोट के बदले नोट जो आपको मिलेगा वह 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आप 5 साल के लिए फिर क्या गुलाम हो जाएंगे? पैसे की लालच में नहीं आना है, अच्छे व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति को वोट देकर विजयी बनाना है। तो याद रखें आपका वोट बिकाऊ हो गया तो भ्रष्टाचार टिकाऊ हो गया। तो याद रखें भाई और बहनों आपका अपना चुनाव चिन्ह, जी हाँ आपका अपना चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप, इसी टेम्पू छाप पे बटन दबाएं और भारी से भारी मतों से मेहनाज बेगम को जिताएं। याद रखें आपका अपना चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप, टेम्पू छाप, टेम्पू छाप।